नमस्कार दोस्तों, लर्न माउथ ऑर्गन सीरीज का यह लेसन नंबर 45 लेकर मैं फिर से आपके सामने हूँ। इस लेसन में हमने अपने पहले के लेसन नंबर 42 में जो गाना शुरू किया था वो शाम कुछ अजीब थी, इसका मुखड़ा पार्ट हमने उसमें सीखा था, और इस लेसन में हम उसका अंतरा पार्ट बजाना सीखेंगे और इस गाने को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर ये रह गया तो फिर पता नहीं कब इसका नंबर आएगा और नया गाना शुरू हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि ओरिजिनल जो गाने का स्केल है उससे थोड़ा सा हायर स्केल पे मैंने बजाया है मुखड़ा भी, और उसी स्केल पे आगे अंतरा भी बता रहा हूँ आपको। वो इसलिए कि अगर इसको इस तरह से बजाएंगे तो आपको शुद्ध स्वरों का प्रयोग होगा, माउथ ऑर्गन पे ज़्यादा स्लाइडर प्रेस करने की दिक्कत नहीं आएगी आपको और गाना आप उसको बजा सकते हैं। तो उसके बाद और भी प्रैक्टिस होने के बाद आप देखिए, अगर उससे ओरिजिनल स्केल से मैच करके अगर आप बजा सकते हैं तो आप कैरियोके के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक्सपर्ट हारमोनिका प्लेयर नहीं हूँ, और जहाँ तक स्केल को गाने को सुनकर उसके साथ मैच करने की बात है उसमें मेरी अभी भी एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं उसमें अभी भी गलतियां करता हूं, और इसलिए मैं अलग से आपको माउथ ऑर्गन पे ये गाने बता रहा हूं। आप गाने को सुनकर उसके साथ मैच करने की कोशिश करते रहिए, ईयर ट्रेनिंग जब आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप गाना सुनकर उसके साथ मैच कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे मैं सीख रहा हूँ आपको भी उस तरह से ही बता रहा हूँ मैं। तो गाने क्या अंतरा कुछ इस तरह से बजेगा जिस स्केल पे, इस तरह से फिर वापस हम मुखड़े पे आ जाते हैं। तो गाने की पहली अंतरा की पहली लाइन इस तरह से, झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, धधगर सा नी नी सा नी नी ध प ध ग प प ध ध ध ध ध ग रे सा नी नी सा नी नी ध प ध ग प प ध ध ध माफ कीजिएगा। उसके आगे की लाइन भी इसी तरह से बजेगी, दबी दबी हसी में एक हसीन सा गुलाल था, ध ध ग रे सा नी नी सा नी नी ध प ध ग प प ध ध ध। मैं सोचता था, तो पहला जो मैंने बताया आपको उसके आगे, फिर उसी तरह से सेकंड टाइम भी आप रिपीट करेंगे, फिर आगे की लाइन, मैं सोचता था मेरा नाम धनी सारे रे 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 गरे मगरे सा, धनी सारे रे 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 गरे मगरे सा।
गुनगुना रही है वो सा 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 मा ग रे 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 सा 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 मा ग रे रे रे। पहली लाइन के साथ जोड़कर सा 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 मा सा सा मा ग रे मेरे न जाने क्यों लगा मुझे रे रे सा 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 नी 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 ध ध ध प। बहुत ही खूबसूरत लाइन। रे रे सा 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 नी 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 ध ध ध प। कि मुस्कुरा रही है वो प प ध ध सा प ध प म म प प ध ध सा प ध प म म। कि मुस्कुरा रही प ध प म म इस तरह से। और उसके बाद वो शाम इस तरह से जैसे मैंने मुखड़ा बताया था वहां पे वापस आ जाइएगा आप और इस गाना कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो आप इस गाने को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, दोनों लेसन्स को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा का पूरा गाना आप बजा सकेंगे। बहुत ही बेहतरीन खामोशी फिल्म का गीत बहुत ही ठहराव के साथ किशोर कुमार जी ने गाया है इसको और मुझे तो ये गीत बेहद पसंद है। तो देखिए अगर आपको इस इन नोटेशन से सारे बजाने में आसानी होती है, आपको आप सीख पाते हैं इसको, तो वीडियो को लाइक कीजिए व शेयर कीजिए और भी जो लोग माउथ ऑर्गन हारमोनिका बजाने में इंटरेस्टेड है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जिससे कि मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा और मैं और भी गाने आपके लिए वीडियोस हर वीक में मैं एक वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले नोटेशंस नहीं के सहारे नहीं बजाता हूँ, मैं गाने को सुनकर उसके धुन बजाता हूँ पहले और फिर उसको बाद में पियानो और ऑर्गन पे उसके नोट्स लिख कर फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कई व्यूअर्स जो मुझसे पूछते हैं इस गाने के नोट्स मेरे गाने जो मैंने बजाए हैं उसके शेयर कर दीजिए, तो मेरे पास वो रेडीमेड नोट्स होते नहीं हैं तो उसको मैं एक एक करके आपके फरमाइश के हिसाब से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सब्र कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और चलिए अपने माउथ ऑर्गन के सफ़र को जारी रखते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।